दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको 20 जनवरी की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे जो कि हमारे करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। तो आज के टॉपिक है, अनुराग ठाकुर को कौन सा अवार्ड मिला। आप एक एक करके सभी टॉपिक देख सकते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, तो आप जानते हैं कि अनुराग ठाकुर सांसद रत्न अवार्ड से नवाजे गए हैं। तो हम आपको बता दें कि ये अवार्ड क्या है। सबसे पहले तो ये अवार्ड उन सांसद को दिया जाता है कि जो बेहतरीन काम करते हैं अपनी फील्ड में। तो ये जो अवार्ड अनुराग ठाकुर जी को मिला, ये सबसे पहला अवार्ड मिला भाजपा में उनको, और वो उत्तर भारतीय पहले सांसद हैं जिनको कि ये अवार्ड मिला, और हिमाचल प्रदेश के भी पहले सांसद हैं जिनको कि ये अवार्ड मिला है, सांसद रत्न अवार्ड। और ये अवार्ड जो है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने दिया है, और चेन्नई में इस अवार्ड को दिया गया, और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस अवार्ड को, सांसद रत्न के अवार्ड को, अनुराग ठाकुर को दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि संसद की कार्यवाही में बेहतर परफॉर्मेंस पर ये इनाम के तौर पर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि किस सांसद को सांसद रत्न अवार्ड से नवाजा गया, और बीजेपी के ये पहले सांसद हैं, तो ये और भी ज़रूरी सवाल हो जाता है। इसके बाद बीएससी नर्सिंग वाले एचपीएसएससी फीमेल हेल्थ वर्कर पोस्ट से बाहर किए गए हैं। आज हमारे पास एक न्यूज़ आई है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग वाले और जो भी है जीएनएम क्वालिफाइड महिला आवेदकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश फीमेल हेल्थ वर्कर की पोस्ट से, फीमेल हेल्थ वर्कर की पोस्ट में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था जो कि एचपीएसएससी कंडक्ट करवाता है। तो इसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्होंने क्वालिफाई भी कर दिया था एग्ज़ाम उसके बाद भी, जो कि हमारा हाईकोर्ट का फैसला आया है उसमें उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और इसमें कि उनको बता दिया गया है कि 1.5 वर्षीय जो डिप्लोमा धारक है वही वैलिड रहेगा, और इससे ज़्यादा की जो डिग्री वाले हैं उनको इस पोस्ट में कोई भी, और इससे अगला हमारे पास जो ये है, ये हिमाचल कैबिनेट ने स्वर्ण आरक्षण को मंजूरी दी, और जो इनकम क्राइटेरिया तय करेगी अभी सरकार। स्वर्ण आरक्षण जो आप, हम सभी जानते हैं कि कैबिनेट में दिल्ली की सरकार ने स्वर्ण मतलब कि जनरल वालों के लिए, जनरल कैंडिडेट जो है उनको 10% का रिजर्वेशन दिया है। तो जयराम सरकार ने भी अपनी कैबिनेट में 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है आज 20 जनवरी 2018 को, लेकिन हिमाचल में अभी क्राइटेरिया तय नहीं किया है इनकम का, और जो कैबिनेट में है सेंटर का जो क्राइटेरिया है वो 8 लाख का है, और इसमें भी अभी कुछ फेरबदल किया जाना बाकी है जो कि न्यूज़ में अभी आ रहा है। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 10% जो भी रिजर्वेशन दिया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, वो हिमाचल में अभी क्राइटेरिया इनकम का तय नहीं है। उसके बाद जेबीटी पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करें, बीएड वाले अभी बोर्ड के पास नहीं पहुंचा है देश। तो हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कल 19 जनवरी 2018 को, जिसमें कि ये बताया था कि जेबीटी पद के लिए जो कि वैकेंसी निकली है, अराउंड 612 पोस्ट निकली हैं जेबीटी के लिए, उसमें बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएड वाले कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि एचपीएसएससी बोर्ड जो हमीरपुर है अभी तक उनके पास कोई भी जवाब लेटर नहीं पहुंचा है उसके रिगार्डिंग, और 22 तारीख लास्ट डेट है, अगले 2 दिन लास्ट डेट है, और आज रविवार है, कल और परसों का दिन है, तभी उसके बाद बीएड वाले जेबीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट भरी जाएगी। ये कैबिनेट ने कुछ फैसले लिए हैं जो कि आज के न्यूज़पेपर में आए हैं, जेओएआईटी, इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, इसको क्लर्क की पोस्ट भी बोला जाता था पहले, अब इसका नेम चेंज कर दिया है। तो इन्होंने क्या किया है, 28 पद ये भरने वाले हैं,
और इसके साथ साथ चार सिविल जजों के पदों का भी भरने का इन्होंने मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ जो भी डॉक्टर यशवंशी परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन है, वहाँ पे इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के 5 पद और जूनियर रेजिडेंट का 1 पद को मंजूरी दे दी है, और जल्द ही इन पदों को ये भरने वाले हैं। अब आप अपना बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमें बिजली प्रदान करता है, और हमें हर माह अपने बिजली की पेमेंट, बिजली का बिल देने के लिए उनके कार्यालय के बाहर जाना पड़ता है और लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन अब उन्होंने वो सुविधा दे दी है, उनकी वेबसाइट पे जाने के बाद आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं अपने बिजली के बिल में। तो ये बहुत ही एक अच्छा कदम है HPSC SCB का, जिससे कि हमारा टाइम भी सेव होगा और मनी भी। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी। वो ग्रेट हिमालयन पार्क है, उसमें निकाली गई है। तो यहाँ पे हम इसकी पूरी डिटेल दे रहे हैं। इसमें 4 पोस्ट हैं और इसमें 2 जनरल की हैं, एक अनुसूचित जनजाति और एक अन्य पिछड़ी जाति। अन्य पिछड़ी जाति मतलब कि OBC और अनुसूचित जाति SC के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। तो हम इस जो ग्रेट हिमालयन पार्क में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकली है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म और पूरा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्राइवेट नौकरियाँ निकली हैं आज के अखबार में, सिस्टम एनालिस्ट और फार्मासिस्ट की। सिस्टम एनालिस्ट की सैलरी 20,000 और फार्मासिस्ट की 15,000 है। सिस्टम एनालिस्ट की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकली हैं और फार्मासिस्ट की 1 वैकेंसी है। आपको इनमें अप्लाई करने के लिए सीधे अपना रिज्यूम में डालना है। यहाँ पे नीचे आप एड्रेस देख सकते हो, MSSGMHA@gmail.com। आपको इस पे अपना रिज्यूम में सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस लेटर जो भी है इस पे मेल कर देना है। धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए। कृपया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हम इसी तरह की वीडियो आपको डेली रोजाना प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।